चरण में आप लोग का स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ अचार का मसाला हम कैसे बनाएं। बहुत लोग को कंफ्यूजिंग होता है कि हम ये मसाला बनाएंगे तो हमारे अचार बरसों तक टिकेंगे कि नहीं। तो चलिए इसमें मैं सिंपल प्रोसेस बताती हूँ कि अचार के मसाले आप कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैंने तवा ले लिया, तवा हमारा गैस का फ्लेम ऑन नहीं है। और मैंने ये लिया है एक बड़ा चम्मच सौंफ। तो मैं ये 2 किलो आम के लिए बना रही हूँ, ये मसाला तैयार कर रही हूँ। और ये कलौंजी 1 चम्मच लिया है मैंने, छोटा चम्मच। और फिर इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन हमारे पाचक का सहायता भी करता है और सौंफ इसमें भी पाचक का ही सहायता करता है। आपको सौंफ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, सौंफ का फ्लेवर से अचार में बहुत अच्छा महक भी आता है और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। अब हमने गैस को ऑन कर दिया है और तीनों को अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से यानी कि पूरा हमें नहीं भूनना है, जस्ट इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक ही भूनना है। नहीं तो ज़्यादा भूनने पर फिर ये कड़वा हो जाएंगे सारे। तो बस हल्का सा भूनना है, 2 मिनट के लिए ही, इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। तो हमारा ये देखिए, ये हमारा अच्छे से भून गया है, ये हमारा अच्छे से भून गया और कलर चेंज भी हो गया। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने प्लेट में इसे निकाल लिया। फिर हम सेम तवा में 2 टेबलस्पून मेथी ऐड करेंगे। मेथी को भी हम कलर चेंज होने तक भूनना है। तो ये देखिए, ये मेथी बहुत जल्दी भून के रेडी भी हो जाते हैं, तो आप अक्सर चलाते ही रहिएगा आप, नहीं तो फिर ये जल जाएंगे। तो देखिए हमारे मेथी कलर चेंज हो गया, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे मेथी अपने से ये उड़ने लग जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके मेथी अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर अब हम मसाला रेडी करते हैं। कैसे हमें रेडी करना है मसाला ये आपको बताती हूँ मैं। ये देखिए मेथी हमारा, अब हम चलते हैं तेल। तो तेल मैंने ये लिया है 1/2 लीटर। और तेल कैसे गर्म होता है और हमें ज़्यादा इसे उबालना नहीं है, जैसे हम उबालते हैं तेल पूरी तलते उस तरह हमें इसे नहीं करना। जस्ट हल्का सा देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं और तेल लग रहा है कि इसके अंदर अंदर ही वो चल रहे हैं। तो आप समझ जाइए आपका तेल पक गया है, उसे अब ठंडा कर लीजिए। अब हम बनाएंगे पीले सरसों का मसाला। तो मैंने ये मसाला लिया है 250 ग्राम पीले सरसों, जो कि सब जगह आजकल मिल जाते हैं आसानी से। और पीले सरसों के आप अचार बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। काले सरसों के भी बनाते हैं बहुत लोग अचार। और इसमें हम ये मेथी डाल देते हैं और दोनों को हम पीस लेंगे। और आपके मिक्सर जार भी अच्छा सा धोकर साफ़ करिएगा और उसमें पीसिएगा, ताकि क्योंकि हमें इसे सालों साल तक ये मसाला में यूज़ करना है इसे। और ये मिर्च मैंने कुछ ले लिया अपने तीखा अकॉर्डिंग और इसे भी हम पीस लेंगे। मिर्च हमारे 50 ग्राम है। हमने ये सरसों और मेथी को पीस कर रेडी कर लिया है। और ये पीसने के बाद डबल हो जाते हैं हमारे मसाले, सरसों के दाने छोटे छोटे होते हैं जो। और अच्छे से हमने पीस लिया है। अब हम सेम जार में अपने मिर्च को भी पीस लेते हैं। तो हम इसमें बाज़ार के मिर्च नहीं डालेंगे, हम घर का पिसा हुआ ही मिर्च डालेंगे ताकि वो सालों तक टिके। बाज़ार के मिर्च में ऐसे मिक्स होता है पाउडर वाले में, तो वो आप ना डालें तो बेटर होता है। ऐसे ही पीस कर ही घर पे आप डाला कीजिए मिर्च अचार में। बहुत लोग को मैं देखती हूँ कि बाज़ार वाले पाउडर वाला यूज़ कर लेते हैं मसाले में, बट आप इसी तरह यूज़ कीजिएगा। और सारे को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे जो हमने सूखा इंग्रेडिएंट भूजा हुआ था, सौंफ, कलौंजी और अजवाइन। इसे हमें पीसना नहीं है, हमें इसे साबुत ही डालना है ताकि इसके हम जब अचार का बाइट अपने मुंह में लें तो उसका फ्लेवर आए। और हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया। अब इससे मसाला अधूरा है तो हम इसमें डालते हैं 1 कटोरी नमक। तो नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। और ये देखिए हमने नमक भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें अब हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर, जिससे हमारे कलर अचार के अच्छे आएंगे। ये रहे हमारे हल्दी पाउडर, जो कि 2 टेबलस्पून मैंने बड़ा स्पून में लिया था। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स
आपको ये रेसिपी कैसे लगा, तो इस समर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मसाला, अचार का मसाला, जो कि बहुत किचन के ही सामान से आप ये अचार का मसाला रेडी कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादा मैंने इसमें बताया नहीं है, बहुत लोग जीरा धनिया यूज़ करते हैं, वो मसाले जैसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उस तरह यूज होता है। ये है कि ऑथेंटिक मसाला है, जो कि बरसों बरसों तक आपके ये मसाला टिकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, फिर मिलते हैं।